हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जे डी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए, हमारी कोशिश है कि आपको जो है 35 प्लस अंक आपको लाएँ मिले, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारी कोशिश रहेगी कि आपको 35 प्लस अंक हिंदी में दिलाएं। देखिए, हिंदी आपका जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी में अच्छे अंक लाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है करें कि ब्राह्मणी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ आपको बताना है कि ब्राह्मणी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। करें कैथी की, खरोष्ठी की, देवनागरी की या गुरुमुखी की। बताइए भाई, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, देवनागरी, ठीक है। तो देवनागरी जो है ब्राह्मणी से लिपि से उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। देखिए, गुरुमुखी से कौन सा, ये पंजाबी, ठीक है। गुरुमुखी जो है पंजाबी लिपि से उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो यहाँ आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ आपको बताना है कि वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है। करें कि भोजपुरी, कौरवी, मैथिली या अवधी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, भोजपुरी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि आपको बताना है निम्न में हंस पद चिन्ह है। तो यहाँ पर आपको हंस पद चिन्ह कौन सा है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो निम्न में हंस पद चिन्ह क्या है, ये आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, बी नंबर आपका लाघव चिन्ह हो गया और सी नंबर ये जो है आपका संयोजक चिन्ह हो गया और जो है ये है आपका डी नंबर उद्धरण चिन्ह हो गया, ठीक है। तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंठ तालब कौन सा है। तो यहां आपको बताना है कंठ तालब कौन सा है। ए, ए, रा, स, छोटा, बड़ा, छोटा या बड़ा। बताइए भी, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए, ए जो है कंठ तालब के अंतर्गत आते हैं, तो इस प्रकार आपका ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। देखिए, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि का मतलब के, टी, एम, डी और वी। देखिए, के मतलब कंठ मतलब का वर्ग, ता मतलब तालु मतलब चा वर्ग, यम मतलब मूर्धन मतलब टा वर्ग और डी मतलब क्या भी दंत मतलब ता वर्ग और वी मतलब ओष्ठ मतलब पावर्ग, ठीक है। तो ये आपके ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है जो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक, का से लेकर मा तक, ठीक है। तो इन्हीं को स्पर्श व्यंजन को इन्हें हम कंठ, तालु, मूर्धन, दंत और ओष्ठ में 5 भागों में बांटे हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना किसमें कौन वर्ग आता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि काकल्य वर्ण कौन सा है। तो यहाँ आपको बताना है कि काकल्य वर्ण कौन सा है। तो बताइए, कह रहे हैं या, हा, अन या सा। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हा जो है आपका काकल्य वर्ण कहलाता है। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं भाई, कहने की निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा व्यंजन महाप्राण है, ठीक है। कहने की ता, द, म, प पहला ऑप्शन है, ज्ञा, ग, च, ज है, या, र, ल, व है, या, स, 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 ह। बताइए भाई, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो आपका यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स, ख, स, ह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है, उसमें व्यंजन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, महाप्राण क्या होता है भाई, महाप्राण जो है, देखिए आपका महाप्राण होता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक हवा निकले उसे महाप्राण कहते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर याद रखना है, हर वर्ग का
दूसरा और चौथा, क्या भाई? हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है, ठीक है। जैसे आप जैसे ख बोलेंगे ख, ठीक है, और चौथे जैसे घ, तो यहाँ पे ज़्यादा वायु निकल रही है, तो ये आपके हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाएगा। तो अल्प प्राण भाई तीन बचे, तो उसको अल्प प्राण याद कर लेना। अल्प प्राण क्या है? जिसमें जिसमें जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकले उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा, ठीक है, पहला और तीसरा, पहला तीसरा और पाँचवा अल्प प्राण कहते हैं। जैसे आप बोलेंगे क, तो बहुत कम आवाज़ निकली, ग फिर अंगा ना, तो इसमें क्या निकल रही है? बहुत कम वायु निकल रही है, ठीक। तो आप आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं, अब देखिए सी नंबर कहें यार अलावा, भैया यार अलावा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला है करें कि देखिए परिभाषाओं से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। करें कि हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, बताइए भाई सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, करें कि वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए, या लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए, बताइए भाई सही ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना, ऐसे होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला है कहने की संस्कृत भाषा के उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो यहाँ आपको बताना है संस्कृत भाषा के उपसर्गों की संख्या कितनी है। कहने की 23 है, 25 है, 22 है, या 12 है, बताइए भाई सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल कितने हैं? 22 उपसर्ग हैं संस्कृत में। आइए अगला देखते हैं, कहने की मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है, तो मूर्खता में आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है। देखिए मूर्ख है, मूर्ख है, मूर्ख आपका मूल शब्द हो गया, और प्लस ता जो है आपका क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। तो बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा, तो प्रत्यय आप जानते हैं किसी मूल शब्द के बाद में लगते हैं, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कह रहे हैं कि रचना के आधार पर जो घर है, घर किस प्रकार का शब्द है, तो आपको घर बताना है, घर जो है किस प्रकार का शब्द है। देखिए रचना के आधार पर जो है, या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं भाई? तीन भेद हैं, कि तीन भेद कौन कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है, बताइए। आप देखिए बताइए कहें यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए भी। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, ऋण शब्द है। देखिए ऋण शब्द ये होते हैं ऐसे शब्द जिनका खंड निरर्थक होता है, मतलब आप देखिए घर का खंड करेंगे, मतलब इसे दो भागों में तोड़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? ऋण शब्द कहते हैं, ठीक है। और यौगिक शब्द क्या होता है? दो सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द, जैसे विद्यालय, विद्या और आलय, ठीक है। योग ऋण शब्द क्या भी? या जो है किसी विशेष का क्या अर्थ प्रदान करता है, जैसे पंकज, पंकज क्या कैसा शब्द है? ये आपका योग ऋण शब्द है, ठीक है। आगे देखते हैं भी अगला है, अगला है कह रहे कि बाल का बहुवचन क्या होगा, बताइए भाई बाल का बहुवचन क्या होगा, सही आपको बताना है। देखिए बाल का बहुवचन क्या होगा, करें बाल, बाले, बालों, बालियों, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आप क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, बाल का बहुवचन क्या होता है? बाल ही होता है, ठीक है। तो देखिए कुछ आपको हम जो हमेशा बहुवचन प्रयोग होते हैं, जो कि हर वीडियो में जो आता है आपको बताते हैं, जैसे हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले कौन शब्द हैं, जैसे आपके प्राण हो गया, दर्शन हो गया, देखिए ये आते रहते हैं, आंसू हो गया, आंसू, होश, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप, ये शब्द जो हैं आपके हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन में होते हैं, ठीक है। तो एक वचन वाले भी देख लीजिए, ये भी आपसे पूछे जाते हैं, तो एक वचन वाले देख लीजिए कौन कौन होते हैं, जैसे आपका हो गया सामग्री, सामग्री, सोना, माल, जनता, सामान, ठीक है, ये कुछ वर्ड हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है करे कि माँ ने बच्चे को सुलाया, वाक्य में कौन सा कारक है, तो आप बताइए कौन सा कारक है भाई? कहें कर्ता, कर्म, करण, या अपादान, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो यहाँ सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कर्म कारक, ठीक। माँ ने बच्चे को सुलाया, यहाँ पर वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ कर्म कारक है, ठीक है। देखिए कर्ता, यहाँ ने देखकर आप कर्ता कारक मत लगाइएगा वरना गलत हो जाएगा। देखिए इसका नियम है, जैसे सुलाना, बुलाना, जमाना, भगाना, पुकारना, कोशना आदि के प्रत्येक में यदि कर्म जो है संज्ञा हो तो को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
जैसे राम ने कृष्ण को पुकारा, तो यहाँ पे जो है इसमें जो है आपका कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी नंबर सही हो जाएगा। और देखिए कारक जो है आपके कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। देखिए इनके चिन्ह भी याद रखना है, कर्ता कारक का चिन्ह आप जानते हैं ने होता है, कर्म का को, करण का से, के द्वारा, ठीक है, के द्वारा, संप्रदान का को लिए, संप्रदान का को लिए, मतलब को के लिए, ठीक है, को के लिए संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है। अपदान का से होता है, ठीक है, जहाँ लगाव प्रदर्शित हो। संबंध का की, के, ना, ठीक है, और अधिकरण का मे पर होता है, क्या भी मे पर होता है, और लास्ट है संबोधन का हे अरे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है, तो आपको बताना है मित्रता जो है किस प्रकार की संज्ञा है। समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, निजवाचक, बताइए भी। तो संज्ञा आप जानते हैं 5 प्रकार की होती है। चलिए तो मित्रता क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला है, कह रहे कि कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो यहाँ आपको बताना है कथन जो है किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, कहने की विशेषण के लिए, अलंकार के लिए, सर्वनाम के लिए या संज्ञा के लिए। देखिए ये UPSI का प्रश्न है, बताइए कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो सही ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, संज्ञा के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं, कहने की जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है, तो बताइए भी। तो कहने की जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है, करें पुलिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है या उभय लिंग होता है, तो क्या होता है भी, सही ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, स्त्रीलिंग होता है। अगला है, कहने कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक के सर्वनाम का कौन सा कारक है, तो यहाँ देखना वे, तो कहने की निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक, तो क्या आया भाई, सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य जो है सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, तो यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। देखिए सर्वनाम जो है आपके कितने हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पुरुषवाचक पहला है, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पाँचवा प्रश्नवाचक और छठा जो है निजवाचक, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न करें कि सीता कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो बताइए भाई, सीता कुत्ते से डरती है, करण कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक या कर्म कारक, बताइए सही हो जाएगा यहाँ। तो देखिए यहाँ पर किसी से भय हो रहा है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, कि भय और अलग होना किसी चीज़ से, तो वहाँ अपादान कारक होता है, ठीक है। अपादान कारक का कारक चिन्ह क्या है, से। अगला है, कहने कि निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो यहाँ आपको बताना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, कहने कोई, मैं, वह, जो, बताइए। तो देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं उसे कहा क्या, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। अगला है, कहने कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आपको बताना है मुझे किस प्रकार का इसमें सर्वनाम है। चलिए कहने कि मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, चलिए पुरुष के कितने भाग हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं, तो बताइए भी, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, उत्तम पुरुष, ठीक है। अगला है, निम्न में कौन सा शब्द भिखारी शब्द है, तो यहां आपको बताना है कि कौन सा शब्द आपको यहां भिखारी शब्द के अंतर्गत आएगा, करें विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या समुच्चय बोधक। देखिए क्रिया के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 2 भेद होते हैं, कितने भेद, 2 भेद, 2 भेद, करें भिखारी और एक अभिकारी, ठीक है, बताइए। तो यहाँ पे आपका देखिए भिखारी शब्द के अंतर्गत क्या आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। देखिए क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ठीक है, और विस्मयादि बोधक, ये जो हैं अभिकारी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो भिखारी के अंतर्गत भिखारी के भी 4 भेद होते हैं, अभिकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं, ठीक है। तो क्रिया के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं अगर आपसे पूछे, तो 2 बताइएगा, कौन कौन से, भिखारी और अभिकारी। भिखारी में कौन कौन आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आती है, और अभिकारी शब्द में 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, कहने कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में धार्मिक शब्द है, कहने संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है,
बताइए भी। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। धार्मिक शब्द कैसा है, ये आपका कैसा शब्द है, विशेषण शब्द है। अगला है कहने कि यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रयोग का प्रकार बताइए। कहने गुणवाचक है, सार्वनामिक है, संख्यावाचक है या पर्यायवाची है। बताइए भी। 22 नंबर का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण है। अगला है कहने विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं। बताइए भी, इंपॉर्टेंस प्रश्न है, क्रिया के, सर्वनाम के, अव्यय के या विशेषण के। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो विशेषण, देखिए यहाँ विशेष होगा, ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे विशेषण नहीं होगा, विशेष होगा, ठीक है। तो विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं, तो ये विशेष के होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका समझ लीजिए डी सही है। आइए अगला देखते हैं, रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार की होती है। तो बताइए भी, रचना या बनावट के आधार पर क्रिया जो है कितने, क्रिया के कितने भेद होते हैं। कहीं 2, 4, 3 या 5। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, कौन सा भी सही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कौन कौन सी भी, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। देखिए अकर्मक क्रिया क्या होता है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है, और अकर्मक क्रिया कहें जिन क्रियाओं का फल जो है कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वहाँ पर कौन सा क्रिया होती है, वहाँ अकर्मक क्रिया हो जाए, वो सारी सकर्मक क्रिया हो जाती है, ठीक है। तो अकर्मक और सकर्मक दो प्रकार की क्रिया होती है, ठीक है। देखिए अगला है, आपको यहाँ परिभाषा बताना है, करें कि नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं। तो आपको बताना है यहाँ नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा भी आप याद रखना, ठीक है। जैसे हाथ से, हाथ से हथियाना, हथियाना अगर आपसे पूछे कि हथियाना कैसी क्रिया है तो बताओगे नाम धातु क्रिया है। जैसे लाज से लजाना, ठीक है, बात से बतियाना, लात से लतियाना, तो ये आपकी आना आना रहा ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, ये यहाँ पर नाम धातु क्रिया के क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कहने कि वाच के कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है भाई वाच जो है कितने प्रकार के होते हैं। कहने कि 2, 4, 3, 5 बताइए। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वाच्य जो है के कितने भेद हैं, 3 भेद होते हैं। कौन सा, पहला है कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। अगला है कहने कि शिवम कल दिल्ली जाएगा वाक्य में कौन सा काल है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा काल है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा शिवम, शिवम कल दिल्ली जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। अगला है करें सुरेश गीत गा रहा था वाक्य में कौन सा काल है। तो भाई सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपूर्ण भूत। देखिए ये यूपी पुलिस 2018 का प्रश्न है, ठीक है, तो आपका बी नंबर सही होगा। देखिए अभी कार्य जहां पूरा नहीं होता वहां अपूर्ण भूत होता है। अगला है, अगला करें निम्न में अव्यय है, तो अव्यय आपको कौन सा है इसमें बताना है। करें ठीक, कृष्णा, जापान, उत्तर। बताइए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ठीक जो है क्या है, शब्द है, अव्यय है, ठीक है। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। अगला है करें अपनी इच्छा से चले, अपनी इच्छा से चलने वाला के लिए एक वाक्य है। तो आपको बताना है कि अपनी इच्छा से चलने वाला के लिए एक वाक्य क्या होगा। करें स्वेच्छाचारी होगा, स्थानांतरण, बहुमत है या अधिक। बताइए भी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वेच्छाचारी हो जाएगा, ठीक है, स्वेच्छाचारी। तो देखिए यहाँ पर वधिक क्या होता है, जो वध करने वाले को वधिक कहते हैं, बहुमत जानते हैं जिसको बहुत साथ देने वाले, मतलब ठीक। तो यहाँ पे आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा, स्वेच्छाचारी। अगला है पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का सही अर्थ है। कहने बचपन से ही चालाक होना, तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, पेट में दाढ़ी होना का मुहावरे का अर्थ है बचपन से ही चालाक होना।
अगला है, कहने कि गौशाला में कौन सा समास है, तो गौशाला में कौन सा समास है, दो गो के लिए शाला, तो बताइए भाई सही आप कौन हो जाएगा, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है, जिन समास जिसे समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, और इनका जो है विभक्त क्या होता है लोप हो जाता है इनमें, तो आपका ए नंबर सही। तो कर्मधारय समास क्या होता है भाई, इसमें जो है पहला पद क्या होता है विशेषण होता है, ठीक है, और अंतिम पद संज्ञा या विशेष होती है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, और अव्ययी भाव समास क्या है, जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो अर्थात जिसमें प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे आ जन्म, इन्हें उपसर्ग से भी पहचान जाएंगे। ठीक है, अव्यय जैसे आ जन्म, तो जन्म में आ उपसर्ग है, जन्म आपका मूल शब्द हो गया, यथाशक्ति, यथा जो है आपका उपसर्ग हो गया, शक्ति जो है मूल शब्द हो गया, भर पेट, भर आपका उपसर्ग हो गया, पेट आपका मूल शब्द हो गया। ठीक है, प्रतिदिन, प्रतिदिन में भी आपका अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप पहचान जाएंगे। तो समास आप जानते हैं छह प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कहने की शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सही हो जाएगा। तो कौशल्या का सही वर्तनी क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कहने की मोर का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ आपको बताना है मोर का पर्यायवाची शब्द, कहने विषिक होगा, तड़ित होगा, विचक्षण होगा या कल्पी होगा। सही ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, कल्पी जो है मोर का पर्यायवाची हो जाएगा। देखिए मोर का पर्यायवाची जैसे आपको मयूर भी आप कहते हैं, मयूर भी होता है, ठीक है, सिखी भी होता है, सिखी, ध्वजी, ध्वजी भी नहीं कहते हैं, नर्तक प्री भी बोलते हैं इनको, नर्तक प्री भी बोलते हैं, केक भी कहते हैं इनको, नीलकंठ भी कहते हैं, सारंग भी कहते हैं, सिखा वल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप कुछ जो है इनके पर्यायवाची। अगला है, कहने कि मंगन को देख पट देत बार बार में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ आपको बताना है कौन सा इसमें अलंकार है, बताइए भी सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पट का अर्थ दो है, ठीक है, पट का अर्थ यहाँ दो है। ठीक है, एक पहले पट का शब्द, पहले पट का शब्द क्या होगा, वस्त्र, ठीक है, वस्त्र, और दूसरा दरवाजा, दरवाजा, तो एक एक वस्त्र और एक दरवाजा, तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो देखिए आपका बी नंबर सही हो जाएगा, श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार क्या होता है, जहाँ एक ही शब्द आए और उसका एक से अधिक अर्थ हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, यमक अलंकार क्या क्या होता है, जहाँ पर एक ही शब्द कई बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो तो यहाँ यमक अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार क्या होता है भाई, अनुप्रास अलंकार वह होता है जिसमें जो है वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। ठीक है, और देखिए रूपक अलंकार क्या है, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ जो है रूपक अलंकार हो अलंकार होता है। ठीक, जैसे कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, ठीक है, और चरण कमल बंधो हरिराई, तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, करें प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, बताइए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो किसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत को, सुमित्रा नंदन पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। देखिए इन्हें चिदंबरा के लिए, चिदंबरा के लिए जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और महादेवी वर्मा को भी यामा के लिए। ठीक है, पूछा जाता है ये सब कि किन कृतियों के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, अगला है, करें कि भाई लास्ट प्रश्न हो गया, आ गया, करें मधुशाला किसके द्वारा रचित है, तो बताइए भाई मधुशाला किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन ने। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 37 प्रश्न हो जाते हैं। देखिए आपके 32 प्रश्न जो है व्याकरण से आएगा और 5 प्रश्न आपके गद्यांश से आता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, तो आप गद्यांश तो बदल बदल के आता है, गद्यांश की आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को ये जो है पसंद आया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।